हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कंप्यूटर सेक्शन का सेट वन किया था, आज हम लोग सेट टू करेंगे। अगेन वी विल बी डूइंग इन टोटल 15 क्वेश्चंस, ऑल आर इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाए और आने वाले एग्जाम्स के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, सो स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर वन। आप लोग मेरे साथ साथ अपने आंसर्स गेस कर सकते हैं इफ़ यू नो, अगर नहीं पता तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो बिकॉज आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी ही। पूछा क्या गया है कि हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल में। हाइपरलिंक इंसर्ट मतलब कोई भी हमें लिंक डालना होगा तो हम कैसे डालेंगे, शॉर्टकट क्या है उसके लिए। तो शॉर्टकट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, शॉर्टकट है कंट्रोल के। ठीक है, सिर्फ एक्सेल में ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट सूट किसी भी सॉफ्टवेयर में, वर्ड में आपको डालना है या आपको पावर पॉइंट में करना है एंटर, तो आप लोग हमेशा कंट्रोल के शॉर्टकट का ही यूज़ करते हैं विच इज़ यूज टू ऐड हाइपरलिंक। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे कंट्रोल एच पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंट्रोल एच का क्या यूज़ होता है। कंट्रोल एच क्या ओपन करता है आपके लिए, एक फीचर ओपन करता है जो फाइंड एंड रिप्लेस का फीचर है। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस आपको पता है, कुछ आपको कोई भी टेक्स्ट या कोई वर्ड फाइंड करना है और उसे रिप्लेस करना है किसी और से, तो वो टैब आपके लिए ओपन करता है एक शॉर्टकट जो है कंट्रोल एच। अभी के लिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन यू स्टार्ट एन ईमेल बट डोंट फिनिश इट द मैसेज इट्स स्टोर्ड इन द डैश फोल्डर ऑफ द मेल बॉक्स। जब भी आप किसी को मेल करते हैं, आपने मेल टाइप कर दिया है लेकिन आपने वो सेंड नहीं किया है, आप उसे जब भी कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आप ऑप्शन आपको मिलता है सेव एज ड्राफ्ट मिलता होगा। अगर आपने ये चीज़ किया है तो वो कौन से फोल्डर में जाता है, वो हमारे मेल के ड्राफ्ट फोल्डर में जाता है, ताकि इन केस आप उसे वापस आप सोचें सेंड करने का या उसमें कुछ चेंजेस करके फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से लेकर उसे कर सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाई सर्वर्स ऑन द वेब आर रिक्वेस्टेड बाई डैश विच आर प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द क्लाइंट मशीन्स। जो भी आप सर्वर्स पे सर्वर्स जो आपको ऑनलाइन वेब पे एक नेटवर्क पे इंटरनेट पे जब आप कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं सर्वर्स, ठीक है, तो वो आप तो इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ब्राउज़र में एंटर कर रहे हो, आपने गूगल में एंटर किया, आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग जानना है, आपको कोई भी क्वेश्चन आपने एंटर किया, एनीथिंग कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, तो वो कौन है जो रिक्वेस्ट करता है आपके सर्वर को, आपके वेब सर्वर को, क्योंकि ये सारे सर्विसेज हमें वेब सर्वर ही प्रोवाइड करवाता है। तो क्या कौन करता है, ये करता है ब्राउज़र्स। ठीक है, वेब ब्राउज़र्स आपको पता है, जितने भी वेब ब्राउज़र्स होते हैं, आप वेब ब्राउज़र्स का यूज़ क्यों करते हैं, इंटरनेट नेविगेशन के लिए, इंटरनेट सर्फिंग के लिए बेसिकली, है ना। तो आप वेब ब्राउज़र में जब भी कुछ सर्च करते हैं तो आपका ब्राउज़र क्या करता है, आपका ब्राउज़र HTTP रिक्वेस्ट भेजता है किसको, वेब सर्वर को, और वहाँ से जो आपने जो भी डेटा इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट किया है वो आपको मिलती है। आपके सामने बहुत सारे लिंक्स ओपन होते हैं जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, होता है ऐसा। सो कौन रिक्वेस्ट करता है, कौन पूछता है वेब सर्वर से, हमारे ब्राउजर्स ये काम करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, डैश इज एन एनालॉग डिवाइस दैट वर्क्स विद सिग्नल्स एंड यूज टू रीजनरेट द वीकेंड सिग्नल अपियरिंग ऑन द केबल। स्टूडेंट्स, जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, एक नेटवर्क में जब कम्युनिकेशन होती है वाया सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल्स हम दो तरह के जनरली पढ़ते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ बिट्स 0 1, है ना, एनालॉग सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, ये हम पढ़ते हैं। तो कौन सा ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है, इन सभी डिवाइसेस को हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस कहते हैं, दीज आर द नेटवर्किंग हार्डवेयर। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल्स को रीजनरेट करता है, मतलब सिग्नल्स को क्या करता है, वापस से पावर देता है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जब कुछ कम्युनिकेशन हो रही है और बीच में सिग्नल वीक हो जाता है, बीच में सिग्नल वीक हो जाता है, तो उसको वापस से रीजनरेट करना, सिग्नल को वापस से पावर देने का काम कौन सा डिवाइस करता है, हमारे सिग्नल में ऐसा कौन सा हार्डवेयर होता है जो ये काम करता है, तो ये काम होता है रिपीटर का। क्लियर,
किसका काम होता है? ऑप्शन ए इज द आंसर। रिपीटर का क्या काम होता है? सिग्नल को रिपीट करना, सिग्नल को रीजनरेट करना। मतलब अगर सिग्नल बीच में वीक हो गया है वाइल कम्युनिकेटिंग, ट्रांसमिटिंग हो रही है डेटा की, तो ये क्या करता है? सिग्नल की पावर इंक्रीज करता है और उसे रीजनरेट करता है। ठीक है, सो रिपीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लग एंड प्ले फीचर इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच वर्जन ऑफ विंडोज़? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से वर्जन्स हैं। अब पूछा है कि कौन से वर्जन से प्लग एंड प्ले फीचर स्टार्ट हुआ था। तो प्लग एंड प्ले फीचर होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना? तो प्लग एंड प्ले फीचर क्या होता है? देखिए, आप कोई भी डिवाइस अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप माइक कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट कर रहे हो, आप माउस कनेक्ट कर रहे हो, कुछ भी, है ना, आप कोई भी पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? कनेक्ट करते हो, वो अपना काम शुरू कर देती है ना। फॉर एग्जांपल, आपने कोई पेन ड्राइव कनेक्ट की, वो उसके फोल्डर ओपन हो गए, कनेक्ट करते ही वो अपना काम शुरू कर दिया उसने, जो भी उसमें डेटा है वो ओपन हो गया, है ना। और किसी भी टाइम जब आपका काम ख़त्म हो जाए, आपको कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी कनेक्ट कर रहे हो, कोई भी डिवाइस, कुछ भी आप अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको वापस उसको, उस डिवाइस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वॉट वी मीन बाय प्लग एंड प्ले फीचर। पेन ड्राइव लगाया, जो भी काम है किया, उसके बाद उसको डिसकनेक्ट कर दिया। ऐड और रिमूव कर सकते हैं डिवाइसेस को विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन, उसे ही हम लोग कहते हैं प्लग एंड प्ले फीचर। ठीक है, और ये विंडोज़ के किस वर्जन में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था? तो आपका आंसर है विंडोज़ 95। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ लिए हैं, अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जैसे विंडोज़ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जहाँ आपने वो नोट्स बनाए हैं, यहाँ पे भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जहाँ पे भी आप अपना रिवीजन करते हो, ये पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वहाँ पर नोट करते जाइए उसके साथ साथ, कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी गेन हो रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डैश इज अ स्क्वेयर शेप्ड कनेक्टर विद मैनी स्मॉल कनेक्टर्स इन टू विच द प्रोसेसर इज डायरेक्टली इंसर्टेड। हमारे मदरबोर्ड पे एक ऐसा स्क्वेयर शेप्ड कनेक्टर होता है जो हमारे मदरबोर्ड पर इंस्टॉल्ड होता है, जिसका काम क्या होता है? प्रोसेसर को होल्ड करना, मतलब जिस पे आप अपना सीपीयू इंस्टॉल करते हो। सीपीयू इंस्टॉल करते हो, ऐसे सीपीयू कनेक्ट करते हो, उसे होल्ड करने के लिए जो स्पेस होती है हमारे मदरबोर्ड पे, जो स्लॉट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेसर सॉकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है इसे? प्रोसेसर सॉकेट। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है सीपीयू सॉकेट। इस तरीके से दिखता है आपके मदरबोर्ड पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग हार्ड डिस्क ड्राइव्स नेटवर्क कनेक्टर्स। इनमें से कौन सी पोर्ट है जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स नेटवर्क कनेक्टर्स को कनेक्ट करने में यूज होती हैं? तो हमारे पास काफ़ी सारी पोर्ट्स दी गई हैं, जैसे PS2 पोर्ट है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आपको पता है ऐसे सर्क्यूलर पोर्ट होता है, ठीक है, ऐसे सर्क्यूलर आपके कई बार टीवी में भी होता है, ठीक है, आपके टेलीविज़न में भी होता है, और पुराने टाइप के जो डेस्कटॉप्स होते थे पहले के, उनमें भी ये रहता था। ठीक है, इनका यूज़ क्या होता है? ये माउस कनेक्ट करने के लिए, कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए पहले ऐसे पोर्ट्स होते थे, ठीक है, ऐसे प्लग्स होते थे, तो ये उसके लिए यूज़ होती है। देन वी हैव सीरियल पोर्ट, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, सीरियल पोर्ट भी मॉडेम कनेक्ट करने के लिए, हमारे सिस्टम से कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए या माउस कनेक्ट करने के लिए, ओल्ड डिवाइसेस में इनका यूज़ था। ठीक है, इस तरीके से दिखते हैं सीरियल पोर्ट्स। देन वी हैव पैरेलल पोर्ट्स, इस पैरेलल पोर्ट में इतनी कुछ पिंस होती हैं। एंड देन वी हैव SCSI पोर्ट। SCSI पोर्ट का यूज़ क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव्स, आपके टेप ड्राइव्स, ठीक है, नेटवर्क कनेक्टर्स, हार्ड डिस्क, ये सब कनेक्ट करने के लिए आपके सिस्टम्स के लिए इनका यूज़ किया जाता है, इन पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है इस तरीके से। सो हमारा आंसर भी क्या है? SCSI पोर्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं पिक्चर्स आपको साथ में इसीलिए दिखाती हूँ सो दैट आपको एक विजुअल आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं आपको विजुलाइज करवा सकती हूँ, मैं अपना कोशिश करती हूँ कि मैं वो आपको दिखा सकूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉलम्स स्पार्क लाइन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज इन एक्सेल।
हमें पूछा है स्पार्क लाइन के बारे में कि एक्सेल के कौन से वाले मेन्यू में वो प्रेजेंट होती है। पहले तो हमें पता होना चाहिए स्पार्क लाइन का ऑप्शन है क्या, ये क्या फीचर है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ पे है। तो स्पार्क लाइन का फीचर क्या होता है, जैसे अगर आपने एक्सेल पढ़ा है तो आपको पता है वहाँ पे आपके पास एक चार्ट्स का ऑप्शन होता है ना, जहाँ पर आप चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हो, यू कैन एंड ग्राफ्स इंसर्ट कर सकते हो, है ना, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब चीज़ें आप अपने वर्कशीट पे इंक्लूड कर सकते हो, अपना डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो इनको इंसर्ट करके। ये तो हो गया पूरी वर्कशीट्स के लिए। जब आप किसी भी पर्टिकुलर रो में या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में चार्ट दिखाना चाहते हो, ग्राफ दिखाना चाहते हो, ठीक है, पूरी की पूरी एक्सेल शीट में नहीं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो दिस इज़ अ पर्टिकुलर सेल, ये एक पर्टिकुलर सेल है और ये पूरा का पूरा कॉलम है, हर सेल में एक अलग तरह का चार्ट, एक अलग तरह का ग्राफ है, ये दिख रहा है। अब ये पूरे के पूरे वर्कबुक में या वर्कबुक के किसी एरिया, वर्कशीट के किसी एरिया में नहीं है, ये पर्टिकुलर सेल के अंदर चार्ट बना है। तो जब आपको पर्टिकुलर सेल के अंदर डेटा रिप्रेजेंटेशन करना है, ना कि ओवरऑल एक सेल के अंदर एक रो में या एक कॉलम में आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है यूजिंग चार्ट्स, यूजिंग ग्राफ्स, तो उस वक्त आप कौन सा फीचर यूज़ करते हो, स्पार्क लाइन फीचर। जो एक्सेल के ओल्डर वर्जन्स हैं स्टूडेंट्स, एक्सेल के ओल्डर वर्जन्स, फॉर एग्जांपल 2000 और 2000 से पहले वाले वर्जन्स, उसमें ये फीचर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। 2010 और इसके बाद के एक्सेल के जितने भी फीचर्स हैं, तब ये जो फीचर है ये अलग से इंट्रोड्यूस हुए, स्पार्क लाइन का फीचर, ठीक है। आपको इंसर्ट मेन्यू में जाके 2010 एंड उसके आगे के जो वर्जन्स हैं, आप इंसर्ट मेन्यू में जाओगे तो इंसर्ट मेन्यू में जाके आपको स्पार्क लाइन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से जाके आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 2007 और ओल्डर वर्जन्स में नहीं है, ये फीचर डायरेक्ट आपको नहीं गिवन होता। क्लियर हो गया, इंसर्ट मेन्यू में होता है स्पार्क लाइन का फीचर, ये है इसका काम, और ये इन वर्जन्स में है। नेक्स्ट, विच फंक्शन इन एक्सेल कैन एड अप अ सीरीज ऑफ नंबर्स फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रेंज प्रोवाइडेड द नंबर सेटिस्फाई द गिवन क्राइटेरिया। अब एक सीरीज ऑफ नंबर्स को ऐड करने के लिए बोला गया, जब भी हमें एक सीरीज ऑफ नंबर्स को हमें ऐड करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, सम फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, नंबर शुड सेटिस्फाई द गिवन क्राइटेरिया, मतलब यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन। तो जब भी हम कंडीशन की बात करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, इफ, अगर। इफ का मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, अगर, मतलब जब कंडीशन है तो हमारे पास क्या होगा, इफ। तो हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा फिर, सम इफ, मतलब सम तो देना है लेकिन उन्हीं वैल्यूज का सम हमें देना है जो हमारे क्राइटेरिया को, जो हमारे गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है। मतलब जो भी क्राइटेरिया आपने लगाया है कि कुछ ऐसा होना चाहिए तो ऐड करो, ऐसा नहीं होना चाहिए तो ऐड करो, जो भी क्राइटेरिया आपने एक्सेल में दिया है उस क्राइटेरिया को अगर सेटिस्फाई करता है तो ही इसका सम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, सम में। सम फंक्शन सिंपल वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, आपकी सिलेक्टेड वैल्यूज़। एब्सोल्यूट फंक्शन आपको सिलेक्टेड वैल्यूज़ में से क्या देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, और काउंट जो है ये सेल काउंट देता है हमें, ठीक है, और उन सेल्स का जिनमें कोई ना कोई नंबर है उनका काउंट देता है हमें। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले देखो, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स और यूनिक्स में से कोई नहीं है, दोनों ही मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। विंडोज 2000 भी नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, विंडोज 95, ऑप्शन ए, क्लियर। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑप्शन फ्रॉम द डेटा मेन्यू समराइजेज द डेटा फ्रॉम वन और मोर सोर्स एरियाज एंड डिस्प्ले इट इन अ टेबल। हमारे पास डेटा मेन्यू में ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो क्या करता है, देखिए, फ्रॉम वन और मोर सोर्सेज, फ्रॉम वन और मोर सोर्सेज हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा वर्कशीट में जो डेटा पड़ा है या वर्कबुक में जो डेटा पड़ा है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट या वर्कबुक में जो डेटा पड़ा है उसको समराइज करता है और एक सिंगल वर्कबुक में या एक सिंगल टेबल में हमें दिखाता है। आपने कई सारी वर्कबुक्स या वर्कशीट्स पे काम किया है और उनका डेटा को कंसोलिडेट करके, आंसर हमारे पास वैसे कंसोलिडेट है, ठीक है, मतलब समराइज करके उनको एक सिंगल वर्कशीट या वर्कबुक में दिखाता है या एक सिंगल टेबल में हमें डिस्प्ले कराता है। तो ये कौन सा है ऑप्शन, कंसोलिडेट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12,
Dash is an optical disc format developed to enable recording, rewriting, playback of high definition video as well as storing huge amounts of data. हमने ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पढ़ लिया है स्टूडेंट्स, राइट? अब इनमें से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, DVD, SSD, Blu-ray DVD, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो जो आपको कैपेसिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, हाई डेफिनेशन वीडियोज़ आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, रीराइटिंग अवेलेबल है, मतलब रीड राइट कर सकते हैं आप उसे, रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा हमारे पास DVD है? Blu-ray DVD. इनके बारे में मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ जब हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच टूल इन द होम टैब अलाइंस टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द वर्ड्स. हमने अलाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट पढ़ी है. एक होता है लेफ्ट अलाइन, सारा का सारा टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ हो जाता है ना, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल L. एक होता है राइट अलाइन, जब हमारा सारा का सारा टेक्स्ट राइट की तरफ चला जाता है ना. और एक हमारा होता है सेंटर अलाइन, जब सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल E. और एक होता है जस्टिफाइड टेक्स्ट. जस्टिफाइड टेक्स्ट का मतलब ना राइट से ज़्यादा ना लेफ्ट से ज़्यादा, मतलब दोनों ही इक्वल मार्जिन्स पे प्रॉपर स्पेस को कवर करते हुए, जिसका आंसर क्या होगा? जस्टिफाइड. ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस जे. नेक्स्ट, इन डैश ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस लाइक हब और स्विच. एक कम्युनिकेटिंग सिस्टम की बात की गई है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम की बात की गई होती है, जहाँ पर सभी डिवाइसेस जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर्स, वो एक सेंट्रल नोड से कनेक्टेड होते हैं, सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, जो एक हब हो सकता है या जो एक स्विच हो सकता है. ये हब क्या है, स्विच क्या है, रिंग, मैश, बस, स्टार, टोपोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ें भी मैं आपको पढ़ाऊंगी. मैं कमिंग डेज में, अभी एक दो दिन में ही, मैं नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क पे एक लेक्चर अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको टोपोलॉजीज, नेटवर्क टाइप्स, कम्युनिकेशन और उसके बाद इंटरनेट, ठीक है, ये टॉपिक्स मैं आपको प्रॉपरली कवर करवाऊंगी, बिकॉज वीकेंसी JKSSB के एग्जाम्स में एंड जो भी हमारे कमिंग एग्जाम्स हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, सो ये सारे कंप्यूटर्स इससे कनेक्टेड होते हैं, तो इस तरह की टोपोलॉजी को, इस तरह से, जब टोपोलॉजी का मतलब होता है किस तरीके से कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, जब कंप्यूटर्स एक सेंट्रल नोड से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, तो वो कौन सी होती है? वो होती है स्टार टोपोलॉजी. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल स्टार टोपोलॉजी. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. डैश इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स टू ड्रॉ डिजाइंस ऑफ बिल्डिंग्स और मशीन्स. बिल्डिंग्स और मशीन्स के डिजाइंस ड्रॉ करने के लिए आउटपुट डिवाइस कौन सा है? लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर तो प्रिंटर के लिए होता है, ये प्रिंटिंग के लिए होता है, ये डिस्प्ले के लिए होता है, प्रेजेंटेशन डिस्प्ले के लिए, तो हमारे पास आंसर क्या है? प्लॉटर. कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि बिल्डिंग्स और मशीन्स के ग्राफिक्स डिज़ाइंस बनाने के लिए जो इनपुट डिवाइस यूज़ होता है, तो वो इनपुट डिवाइस क्या है? डिजिटाइजर्स. अब यहाँ पे आउटपुट डिवाइस पूछा है, फ्रॉम द ऑप्शंस वी हैव ओनली वन ऑप्शन, प्लॉटर्स. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ऑल राइट, इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. आप लोगों को पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुकी है, हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं. ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9469860788. दिस इज़ द नंबर, आप इस पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं, जो भी आपको बैचेस की डिटेल्स चाहिए, और जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए जम्मू विजिट नहीं कर सकते, दे कैन कॉल ऑन दिस नंबर, बिकॉज वी ऑल्सो हैव अवर ऑनलाइन बैचेस फॉर दो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर विजिट नहीं कर सकते. ठीक है स्टूडेंट्स, टो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.